आता है बहने, थोड़ा और समय दे, एक निवेदन है, बस एक गीत और सुन ले। बड़े भैया राकेश भैया जी, कहीं कोई थोड़ा थोड़ा नहीं है, बिल्कुल साधारण सा गीत है सचदेव जी, बिल्कुल उठे हल्का। कि पानी पर तस्वीर, पानी पर तस्वीर कब बनती है, निवेदन जरूर करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि आपके सदैव अंग संग रहें। और ये हमारे सम्मानी बड़े भैया जो कीर्तन के जौहरी माने जाते हैं, आपके माध्यम से 201 पत्र मुद्राएं हमारे मानी सम्मानी बड़े भैया भैया श्री एस के सैनी जी आपके माध्यम से भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। और इसी श्रृंखला में एक पुष्प माल के साथ 51 पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं हमारे मानी सम्मानी बड़े भैया, सम्मानी बड़े भैया भैया श्री उत्तम उमंग जी आपके माध्यम से 51 पत्र मुद्राएं भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। और ये माननीय सम्मानी हमारे सम्मानी दादा जो आज के मंच का संचालन कर रहे हैं, दादा श्री सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी, आपका एक आदेश है, बिल्कुल किस किस लाइनों को दोबारा पढ़ लिया जाए, आइए आपके आदेश को शिरोधार करते हैं। पानी पर तस्वीर, पानी पर तस्वीर अब बने, बनती है
जिंद ले गया वो दिल का जानी बुत पे जान ले गया जिंद ले गया वो दिल का जाने बुत पे जान ले गया जिंद ले गया। और ये हमारे पुनः मानी सम्मानी बड़े भैया भैया श्री राकेश वर्मा जी 101 पत्र मुद्राएं 201 पत्र मुद्राएं हमारे जो आज की सुंदर सी ध्वनि को बनाए रखे हमारे भैया श्री साउंड सर्विस वाले भैया आपको क्रिएट कर रहे हैं बहुत बढ़िया साहू साउंड सर्विस। आइए आप अपना पुरस्कार स्वीकार करिए। फिलहाल आपके साउंड सर्विस बहुत बढ़िया बोल रही है। हाँ आप बोल रही है। और इसी के साथ ये 501 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य स्नेह सम्मानीय दादा हमारे संतोष गुप्ता जी आपके माध्यम से 501 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य स्नेह है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हमारी माताएं बहने भी बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सुनिए बहुत ही सुंदर संगीत तर्ज। आइए मर्ज पर गौर करिए। गीत बिल्कुल साधारण सा है बड़े भैया। मानस ने इशारा किया है क्या बेटे? जब माता सबरी प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है तो पुष्टि मानस ने भी की है। बिल्कुल बेटे बिल्कुल। कही कथा सकल विलोक हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तज जोग पावक देहि हर पद लीन पहि जहि नहीं फिरे। तो कहना पड़ा क्या बेटे? अब देखिए माता सबरी इंतजार कर रही है प्रभु श्री राम का। मतंग मुनि ने बाल्यावस्था में कहा है लेकिन आज देखिए वृद्धावस्था आ गई तो कहना पड़ा क्या बेटे? जब सुना प्रभु श्री राम आ गए आ गए सबरी आपके माध्यम से 21 पत्र मुद्राएं भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्मानी दादा धर्मो जी चलिए आइए। माताएं बहनों से निवेदन केवल एक गीत और एक खंडवी गीत सुन लीजिए। माना कि आपको बहुत काम है लेकिन एक गीत का समय दीजिए। रोकिए नहीं कहना बस एक कटपीस और एक गीत। माता भाव सबरी देख रही है राह तो कहना क्या बेटे? सबरी पा खुश खबरी सबरी पा खुश खबरी पथ लखती है और पद दर्शन की यूं बे सबरी पद दर्शन की यूं बे सबरी वो रखती है तो भगवान से लोको लगा कर भगवान से लोको लगा कर वो लवलीन हो गई। और जब प्रभु आए दर्शन किए तो कहना आत्मा निकल कर परमात्मा के
निकल कर परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। तो आत्मा निकल के परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। चरणों में भी लीन हो गए। सचदेवा जी एक प्रसंग और सुनिएगा। भगवान राम से लड़ने के लिए आ गया एक भक्त जिसका नाम है कुंभकर्ण। लेकिन देखिए उसकी कृपा भगवान की उस पर कितनी है। पुष्टि मानस ने की है, तासु तेज प्रभु पतन समाना, सुर मुनि सब ही अचंभा माना। ये कैसा भक्त है, कैसा है तो कहना पड़ा क्या बेटे। हालांकि देखिए फिल्मी दुनिया वाले धुन चेंज कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं क्या बेटे। उस आंधी और उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं। जब जाने गया वो कुंभकर्ण तो मुक्ति की युक्ति जब जानी तो रण में देने जाने गया। तो कहना पड़ा क्या? इधर भी भगवान की काया कारी शक्तिहीन हो गई। वो योद्धा साधारण नहीं है लेकिन लेकिन भगवान की काया कारी शक्ति शक्तिहीन हो गई। और इधर भी आत्मा निकल कर परमात्मा के वदन में विलीन हो गई। चरण में विलीन हो गई, वदन में विलीन हो गई। देखिए अंत में रावण पहुंच जाता है, युद्ध करता है, अंत में परम गति को भी पाता है। तो कहना पड़ा सचदेव जी सुने। खींच सरासन अनुपम छोड़े किसे
और आनंद। वतन यानी शरीर, वतन यानी चेहरा। तो कहना क्या बटे शक्तिमान की शक्ति है अनुपम और भी नवीन हो गई आत्मा निकल कर, आत्मा निकल कर परमात्मा के वतन में विलीन हो गई आत्मा निकल कर परमात्मा के वतन में विलीन हो गई बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। एक गीत आया आपकी तरफ से है बहुत ही सुंदर। इस तूफान का जोर किसी को याद नहीं है मेहमान 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 ओ
धन्यवाद। गाने को अगर हृदय से गाया जाए, ऐसी उंगली ढोलक में कोई नहीं लगा पाए, शिद्दत से गाया जाए तो गाना दुगना हो जाता है। क्या बात है, रस होता है। ये हमारे दादा श्री परम सदस्य संतोष गुप्ता जी की तरफ से, दादा की तरफ से हमारे नाल में संगत करे सुंदर भैया के लिए 51 पद आए हुए हैं और क्या अनगिनत पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पर कहना है क्या, पानी में तस्वीरें, अरे पानी में तस्वीरें कब बनती, शादीशुदा लोग हैं, सुरेंद्र भाई ध्यान दे, बोले कुंवारे हैं जो शादीशुदा लोग हैं, कि वक्त की चोटें उबरने नहीं देती। दादा, दादाजी, वक्त की चोटें उबरने नहीं देती, मन की शोभा सवरने नहीं देती। वैसे तो पत्नियां साल भर जीने नहीं देती, एक दिन करवा चौथ का व्रत रख कर मरने नहीं दे। पत्नियां वैसे तो साल भर जीने नहीं देती हैं और एक दिन करवा चौथ का व्रत रखकर मरने भी नहीं देती। तुम्हें ज्यादा मालूम है। नहीं, हमको पता है, इसलिए तो हम शादी नहीं करते। सुनेगा, बहुत ही सुंदर सी पंक्तियां आई है बहन जी की तरफ से। बढ़िया। चरणों में विलीन हो गई, चरणों में विलीन हो गई। बढ़िया, बहुत सुंदर बात। पर बात कहना है, प्रभु राम ने जब पहली बार सीता जी को देखा उपवन में, अब देखिए विलीन कैसे हो रही है। कैसे, लाइन दे रहा हूं बहन जी। फूल बगिया में देखे फूल से, फूल कुंवर जैसे रघुराई। संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई, चौपाई सही ले रहा हूं बहन जी, आप चाहें तो देख लीजिएगा, चौपाई याद नहीं है पर चौपाई सही की दे रहा हूं, रामचरितमानस सही दे रहा हूं। फूल बगिया में देखे फूल से, फूल कुंवर जैसे चक्राई। तो भगवान, आपने कहा परमात्मा पर भगवान, भगवान
जब आए माँ सीता को के भगवान नजर जब आए तो मुश्किल आसान हो गई। और आसान कैसे हो गई? कैसे? मन आत्मा मन आत्मा मिली परमात्मा से। आपने कहा आत्मा निकलकर परमात्मा में, पर मेरी लाइन कह रही है आप मन आत्मा मिली परमात्मा से तो हृदय विद्यमान हो गई। माता सीता की छवि प्रभु राम के नैनों में कैद हो गई। दूसरी बात दे रहा हूं, समझते रहिए भैया जवाब को। अवध में आया स्वयं दशान बस गई तो कहना है क्या तो पाड़ी सुनकर अरे बोला है रावण पाड़ी सुनकर उस दशानन की सिया परेशान हो गई। पर मन आत्मा मिली मन आत्मा मिली विद्वात्मा से तो हृदय विद्यमान हो गई। माता सिया के मन आत्मा मिली पाप आत्मा से रावण से तो हृदय विद्यमान हो गई। तीसरी बात दे रहा हूं, एक बार इस फटिक शिला में माता का तो हरण हो गया, माता लंका में बैठी है। इस फटिक शिला में प्रभु राम माता सीता से वार्तालाप कर रहे हैं। पहले पर खड़े लक्ष्मण भैया सुन रहे हैं कि भैया मेरे किसी स्त्री से बात कर रहे हैं, और जैसे ही देखा तो माता सीता प्रभु राम के तन में समा गए। कैसे? बहुत अच्छे। अरे इस पटी के सिला पर इस पटी के सिला पर बैठे रघुराई धुन चेंज हो गई। आपने कहा धुन चेंज है तो मैंने कहा लाओ धुन चेंज कर। ये बात ये कहते जवाब इस पट के अरे सिला पर इस पट
पटके सिला पे बैठे रघुराई द्वार पे पहरा देते द्वार पे पहरा देते लक्ष्मण भाई। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा तो माँ जानकी को देखा है लक्ष्मण तो माँ जानकी को अरे देखा जो लक्ष्मण तो बुद्धि हैरान हो गई। और जब हैरान हो गई बहन जी तो मन आत्मा मिली तो मन आत्मा मिली विश्व आत्मा में मन आत्मा मिली विश्व आत्मा में तो तन में विद्यमान हो गई। जैसा कि ये छोटा सा